हाय, गुड इवनिंग, दिस इज़ रितु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो। चलिए शुरू करते हैं होल सिलेबस टेस्ट सच का सामना। आज 40 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं तुम 40 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर करते हो। बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आगे। आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे चैनल से टेलीग्राम पे कनेक्ट होने का तरीका क्या है और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि सभी टीचर्स अपना छोटा छोटा क्लिप्स वहाँ पर डालते हैं, जो आपको बताते हैं कि आज वो क्या पढ़ाएंगे चैनल पे, तो आपको इजीली वो बात पता चलती रहती है। देन जितने भी, जैसे सच का सामना यहाँ पे हो रहा है, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे उसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम पे कनेक्ट करने के लिए करना क्या है? टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है और ये लिंक डालना है, नीट प्लेसिबो। जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। अनअकैडमी प्लस के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया का 40 बेहतरीन टीचर आपको नीट की प्रिपरेशन करा रहा है। आपको नीट की कॉलेजेस की तरफ धक्का देने में लगे हुए हैं हम लोग, उन्हीं टीचर्स में से मैं भी एक हूँ। तो वहाँ मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ। जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं यूट्यूब पर, मैम पूरा सिलेबस होगा या नहीं होगा, धीरे धीरे करके तो YouTube पे भी पूरा सिलेबस हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ऐसे नहीं होती है कि आप सिर्फ एक बार पढ़ लें और 2020 मुझे नहीं पता कितना सिलेबस तब तक कंप्लीट हो पाएगा। अनअकैडमी प्लस पे मैं पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कराती ही हूँ। रिविजन्स बहुत बार हम लोग करते हैं, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी एक कोर्स इकोलॉजी का चल रहा है जिसमें मैंने इकोलॉजी का एक चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। लास्ट चैप्टर से हमने शुरू किया इकोलॉजी, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, तीन रह गए हैं इकोलॉजी के चैप्टर, खत्म होने वाला है मतलब फर्स्ट वाला चैप्टर। सो इकोलॉजी हमारी पूरी हो जाएगी जनवरी एंड तक। अनअकैडमी प्लस पे मैं पूरा का पूरा सिलेबस करा दूंगी अपना, बायोलॉजी का प्लस वन और प्लस टू, जूलॉजी और बॉटनी। तो जनवरी तक आप लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो, कि आप पूरा सिलेबस एक बार मुझसे पढ़ चुके हो। साथ में रिवीजन कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स मेरा ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पे मैं तुम्हें जो पढ़ा चुकी हूँ उसका रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। और रिवीजन भी हम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। एक बार तुम्हें मैं वो चैप्टर पढ़ के आने के लिए बोलती हूँ, फिर मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाती हूँ, फिर मैं तुम्हें क्लास में ही टाइम देती हूँ दोबारा एनसीईआरटी देखने के लिए कि बताओ कोई डाउट तो नहीं है, फिर तुम्हारे डाउट सॉल्व करती हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर आप कंप्लीटली इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ बायोलॉजी की, क्योंकि बेटा देखो टाइम बहुत कम है और कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, सो हमको अपने आप को इस तरीके से सिक्योर करना होता है कि बायोलॉजी में हमारे नंबर 340 के आसपास टच कर जाएं, 340, 345, 350 के आसपास टच कर जाएं। और ये बात एकदम से बकवास है जो लोग दावे करते हैं आपको हम एक महीने में 360 नंबर ला देंगे। कहीं पे भी एक महीने में 360 नंबर नहीं आ सकते, और 360 नंबर लाना आसान बात नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कम से कम 4-5 महीने तो डिवोट करने पड़ते हैं बढ़िया तरीके से उस सब्जेक्ट पे, तब आप 340 350 लाते हो, और वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। 2-3 क्वेश्चन हमेशा ही आपके ऐसे आएंगे जो आपका आउट ऑफ सिलेबस आएगा, और वो आप कर भी पाओगे या नहीं भी कर पाओगे वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे और आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पर बाकी जो 340 नंबर है, 345 नंबर है, वो हमारे हाथ में होता है। और 340 345 अगर तुम्हारा स्कोर आ जाए ना, मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में खींचो, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे मिलती हैं। 40 टीचर्स हैं, सब पढ़ा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, क्रैश कोर्सेज चले हुए हैं। सबकी क्लासेस लगाने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सबकी क्लासेस लगाने के लिए, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगाने के लिए भी एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, ये ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर, देखो बिना ऐप के कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है, तो ऐप तो डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। देन फ्रंट पेज खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर आगे फर्दर ऑप्शंस आएंगे, यू विल क्लिक ऑन नीट एंड एम्स एंड देन यू विल गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद कितने समय का चाहिए, देखो अनअकैडमी पे इस चीज़ की छूट नहीं होती कि आप किसी टीचर का पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहें, किससे नहीं पढ़ना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इस चीज़ की चॉइस होती है कि आप कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। अभी जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, 3 महीने वाला सबसे बेटर है, क्योंकि अब रह ही 3.5 महीने रह गए हमारे पास, है ना। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, दोबारा से बोल देना चाहती हूँ, कभी कभी बताना भूल जाती हूँ बेटा। जनवरी तक या जनवरी मिड तक या मैक्सिमम फेब तक, फेब तक मत खींचना पूरा, ठीक है। नहीं, जनवरी एंड तक या फेब मिड तक अपना सिलेबस पूरा कर लेना, ठीक है। तब आप रिविजन्स कर पाओगे, तब आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, तब आप टेस्ट बहुत सारे दे पाओगे। यदि आपका बायो का सिलेबस ही अप्रैल में ख़त्म हो रहा है तो फिर स्कोर कहाँ से अच्छा आ जाएगा,
ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ताकि विद इन 40 मिनट तुम 90 क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। बाकी प्लस पे तो मैं ये तुम्हें कराती ही हूँ खुद, अगर तुम खुद पढ़ रहे हो प्लस पे नहीं हो मेरे साथ तो तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ 3 मंथ्स वाले की फीस है 15,000 रुपीज़, ठीक है। इसको कम करने के लिए कोड बताऊंगी, 10% इस पर ऑफ हो जाएगा, 13,000 में, 13,500 रुपये में तुमको पूरा ये 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यदि तुम प्लस वन में हो, पूरा प्लस टू तुम्हारे पास पढ़ा, तो 1 ईयर का ले लो सब्सक्रिप्शन जो 30,000 का है, पर कोड डाल के 27,000 का हो जाएगा। 2 ईयर वाला 48,000 का, पर कोड डाल के वही 10% ऑफ 43,000 का हो जाएगा। कोड कैसे डालना है, तीनों में तरीका एक ही है। जैसे तुमने मान लो 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे ना पेमेंट आएगा, उसको पे नहीं करना है, पहले ऊपर जाना है, यहाँ पे अप्लाई कोड करके लिखा होगा, तो ये कोड डाल देना है ऋतु लाइव, ये कोड डाल के अप्लाई बटन दबाना है। जैसे तुम अप्लाई बटन दबाओगे, ये देखो 30 का 27,000 हो जाएगा, 10% ऑफ हो गया। सो कोड ध्यान में रखना है, ऋतु लाइव लगाना है, ठीक है, तब तुमको 10% ऑफ मिलता है। साथ में तुम मेरी क्लास के मेंबर बन जाते हो, यू आर इनरोल्ड इन माई क्लास एंड देन यू गेट माई PDF नोट्स, ओके। सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं तुम्हारे लिए टाइमर लेके आई हूँ, 10 सेकेंड का ही टाइमर मिला है मुझे, सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, मुश्किल क्वेश्चन में 15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स। चलिए शुरू करते हैं, चलिए चलिए चलिए। अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, इजी क्वेश्चन, आज मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, हालांकि ये वाला ईजी है। रघुराम ए, रानू ए, एहतशाम वन, हर्ष ए, विशाल ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ए सही है। देखो कैसे याद करते हैं आप, कॉफ जीनस स्पीशीज, ठीक है, उसके ऊपर किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम तो अपने को याद रहते ही हैं, कॉफ क्लास ऑर्डर फैमिली यही भूलते हैं हम, जीनस स्पीशीज भी याद रहता है, तो ग्रुप रिलेटेड जेनरा को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो फैमिली में आ जाएगा। आंसर वन आ गया, ईजी क्वेश्चन था। लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेंबर्स ऑफ फाइकोमिसिटीज आर फाउंड इन, फंगस का एक ग्रुप है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, सो आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स। चलिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो भी आंसर 4 दे रहे हैं वो सभी सही हैं, ये NCERT की लाइंस हैं एक्चुअली। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर, ठीक है, जो इसके फंगाई का ग्रुप होता है, ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, NCERT में लाइन दी हुई है, ये डिकेइंग वुड में मिलते हैं, मॉइस्ट और डैम्प इन्वायरमेंट में मिलते हैं, फिर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्ब्यूगो का, कि ये भैया पैरासिटिक है मस्टर्ड के ऊपर, तो पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं, मतलब पैरासिटिक फंगाई भी होते हैं ये। ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ठीक है, वेरी गुड जिसने इसका सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। चलिए 5 सेकेंड ही दूंगी इसको करने के लिए। कृतिका वर्मा, कल से बायोटेक शुरू करेंगे बेटा, लैग क्यों हो रहा है, इजी क्वेश्चन। ये कैम साइकिल वाला है क्वेश्चन है, कि भैया स्टोमेटा रात को खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, ऐसा किस में होता है, कैम प्लांट्स में होता है ऐसा। कैम प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ बहुत सूखा पड़ा होता है, पानी नहीं होता, तो पानी बचाने के लिए होता है बेसिकली ऐसा, तो पानी बचाने के लिए कौन से प्लांट्स होते हैं, सक्यूलेंट्स या ज़ीरोफाइट्स, अच्छा 2 हैं हमारे पास, ओए सक्यूलेंट्स या ज़ीरोफाइट बताओ तो, देखो ज़ीरोफाइट्स होते हैं बहुत सूखे में रहने वाले, और सक्यूलेंट, सक्यूलेंट प्लांट्स भी एक्चुअली ज़ीरोफाइट्स होते हैं, सक्यूलेंट्स होते हैं जो अपना बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हैं। ये दोनों ही आंसर सही हैं भैया, दोनों ही आंसर सही है, बट बेटर आंसर आई थिंक ज़ीरोफाइट है, सक्यूलेंट भी हो सकता है, बट आई थिंक बेटर आंसर ज़ीरोफाइट होना चाहिए, सो आई विल गो विद ज़ीरोफाइट, बट आई विल स्टिल चेक इट फॉर यू, सो यू कैन काउंट इट एज अ बोनस, आई विल चेक इट, बोनस ले सकते हो आप इसको, क्योंकि दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं मुझे, बोनस ले लो इसको, चेक करके बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड,
हाँ जी बोलिए, आज रेस्पिरेशन नहीं होगा तान्या। की होती है, की में दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, इस पेयर को क्या बोलते हैं? हाँ जी अनुजा बिल्कुल सही, अनुपमा बिल्कुल सही। कपलेट बोलते हैं, इसकी एक एक लाइन को लीड बोलते हैं, इसको भी एक लीड बोलते हैं, इसको भी एक लीड बोलते हैं, अगर नहीं पता तो जान लो बेटा। नेक्स्ट प्लीज। टू इनिशिएट सेल प्लाज्मोलिसिस द सॉल्ट सॉल्यूशन शुड बी, आपको किसी सेल का प्लाज्मोलिसिस करना है तो आप क्या करोगे बोलिए, जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही, रघुराम राइट, एहतेशाम राइट, रौनक गलत हो गया, अरे कलाश गलत है बेटा, विवेक राइट, बॉन एपेटिट राइट, नहीं नहीं सुरेंद्र कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं बेटा। चलो अगर तुमको प्लाज्मोलिसिस करना है तो सेल को ऐसे पानी में डालोगे ना जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तभी तो यहाँ से पानी लूज होगा और यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस होगा। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन जिसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल से ज़्यादा है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अमंग रस्ट स्मट एंड मशरूम ऑल द थ्री आर, कॉमन बात बताओ जल्दी से। बोलिए ये किसी का भी अभी तक मुझे आंसर सही नहीं मिला है। हाँ जी एहतशाम का सही है, रघुराम का सही है, हर्षिता का सही है, विजया का सही है, हर्षिता का सही है, अपर्णा का सही है, प्रेरणा का सही है, नीरज का सही है। देखो रस्ट स्मट और मशरूम सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, तो सारे बेसिडियोकार्प तो होगा जिसके पास बेसिडियोमाइसिटीज है, जो कि एस्कोमाइसिटीज में नहीं आते तो आंसर नहीं बनेगा। सारे के सारे सेप्रोफिटिक नहीं होते, जो रस्ट और स्मट हैं ये पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट होते हैं ना ये, तो ये नहीं आएगा। सारे पैथोजन नहीं होते, मशरूम पैथोजन नहीं होता है ना। नेक्स्ट प्लीज। द अल्टीमेट कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी इन ट्री, इजी क्वेश्चन, पानी ऊपर क्यों खिंचता है? सोनिया मंडल वेरी गुड, पानी ऊपर क्यों खिंचता है प्लांट्स में, जल्दी से उत्तर देंगे। हाँ जी रघुराम सही, हर्षिता सही, एहतशाम राइट, विवेक राइट, विजया राइट, हर्ष राइट, अपर्णा राइट, अल्फाज राइट, बिल्कुल सही। ट्रांसपिरेशन मेजर कारण है जिस पे तुम पानी ऊपर खींच सकते हो प्लांट्स में। देखो रूट्स में रूट प्रेशर आता है, पानी यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए रूट प्रेशर है जब तक रूट में नहीं जाता, फिर जब ऊपर खींचना है तो यहाँ से पुलिंग फोर्स लगेगी ट्रांसपिरेशन की। सो ट्रांसपिरेशन मेजर फैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये पढ़ लो एक बार, इजी क्वेश्चन है ये, पढ़ लो। एट्थ बोलिए प्लीज। ए रघुराम सही है, नीलेश गलत है, अपर्णा गलत है, सुकन्या सही है, प्रखर सही है, एहतशाम सही है, रानू सही है, विजया गलत हो गया बेटा, सिद्रा का गलत हो गया, सुमन सिन्हा, एहतशाम, प्राची गलत हो गया बेटा, सैयद का सही है। देखो एनिमल्स, यार तुम बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हो, बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब गलत कर दोगे, ध्यान से सुनो ना क्या बोला हुआ है। देखो एनिमल्स नेवर फीड ऑन कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस एक वीड होता है, उस पर कभी एनिमल्स फीड नहीं करते, क्यों? कैलोट्रॉपिस में ना दूध दूध सा निकलता है कुछ, और उसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो एनिमल्स के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो एनिमल्स को पता होता है कि ये गंदी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, इसको मत खाओ, ठीक है? तो ये किस प्रकार का डिफेंस है? ये केमिकल डिफेंस है ना बेटा, केमिकल रिलीज कर रहा है ना गंदे, तो ये केमिकल डिफेंस है ना प्रीडेटर से बचने के लिए। देखो गाय उसके लिए तो प्रीडेटर ही है ना। देखो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस क्या होता है, जैसे कांटे हो गए ताकि गाय ना खा पाए, जो मॉर्फोलॉजिकली होते हैं, ठीक है? देन ओनली पैथोजन अफेक्टेड प्लांट, ये बकवास है, सभी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कैलोट्रॉपिस के, कोई पैथोजन अफेक्टेड प्लांट नहीं प्रोड्यूस करता है। सो आंसर इज बी। ओके नेक्स्ट प्लीज। हर्बेरियम मीन्स, जल्दी से बताओ तो हर्बेरियम की डेफिनेशन बोलो। हाँ भाई सुमन सिन्हा वेरी गुड, अल्फाज निगम सही है, अरे तुम्हें नहीं गलत बोला था सुमन सिन्हा, तुम्हारे आगे वाले बच्चा गलत था तो तुम्हारा नाम भी गलत वाले में ऐड हो गया। नीलेश करा दूंगी बेटा मैं बायोटेक, चिंता मत करो।
विवेक गुड इवनिंग बेटा. हर्बेरियम क्या है जल्दी से बोलो. अरे गलत क्यों बोल रहे हो बच्चों. एहतशाम गलत क्यों बोल रहा है. संदीप तो गलत क्यों. रईस गलत क्यों. सुकन्या गलत क्यों. वाई वाई आर यू नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली. वाई एम आई गेटिंग रॉन्ग आंसर्स. सुमन सिन्हा रॉन्ग. प्रेरणा रॉन्ग. मनीष चौधरी रॉन्ग. वाई यू आर नॉट रीडिंग केयरफुली. स्टोर हाउस वेयर प्रिजर्व्ड आइडेंटिफाइड ड्राई लिक्विड स्पेसिमेंस आर केप्ट सिस्टमेटिकली. लिक्विड स्पेसिमेंस कहाँ होते हैं हर्बेरियम में. देन अ हैवी कार्ड शीट कैरिंग द ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट. अ गार्डन विद ऑल प्लांट्स अरेंज सिस्टमेटिकली. ये बकवास है. ये बकवास है. एक मिनट एनसीईआरटी से कंफर्म करते हैं. रुक जाओ. भाई लोग सिर्फ ड्राइड स्पीशीज आएंगे. रुक जाओ चेक कर रही हूँ. हर्बेरियम में वेट स्पीशीज गीले चीजें आती है कि नहीं आती. चेक करने दो. हाँ जी ये नहीं हो सकता यार. ड्राइड स्पीशीज होती है ना सिर्फ. तो ये बेटर आंसर है. यार इसको भी चेक करती हूँ. अच्छा मैं ठीक है इसको भी चेक करती हूँ. एक बार चेक करती हूँ इसको भी. इसको भी बोनस लो तुम लोग मजे करो. ये दो का आंसर तुमको कमेंट में लिख के देती हूँ मैं. ठीक है चेक करके बताती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेशन इन बियर एंड एस्टिवेशन इन फिश. ये किसका एग्जाम्पल है जल्दी बोलो. लीगुलस ग्रीन लीफ. एक बार चेक करके बताती हूँ. ठीक है जल्दी से. एस्टिवेशन और हाइबरनेशन किस चीज का एग्जाम्पल है. माइग्रेशन का एग्जाम्पल थोड़े भैया बेटा. माइग्रेशन तो किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन है ना. ये तो जहां पे है वहीं पे सो जाता है. ठीक है रेगुलेशन नहीं है. कंफर्म नहीं है. सस्पेंड आंसर है. अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देता है ना. जहां पे भी है अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड करके सो जाता है जाके. ठीक है तो सस्पेंड आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज. व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज. हाँ जी अपर्णा सही है. गणेश रॉन्ग है. विवेक रही सही है. नरेंद्र सही है. स्तुति गलत हो गया. एहतशाम सही है. बॉन एपिटिट गलत हो गया. रानू सही है. अल्फाज सही है. आओ चेक करते हैं कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है. भाई लोग तुम लोगों को शायद मैंने बताया था पहले भी. कीस्टोन स्पीशीज ऐसा होता है जिसका बायोमास बहुत कम होता है परंतु पूरे इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि मतलब बायोमास भी क्या नंबर उसका बहुत कम होता है. वेरी फ्यू इन नंबर एंड वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम.
ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था बनियन ट्री और इंसेक्ट्स का, एक बनियन ट्री पे 10 लाख इंसेक्ट रहते हैं, लेकिन बनियन ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो कीस्टोन स्पीशीज हो गया, ठीक है, अ स्पीशीज विच मेन सो स्मॉल टोटल बायोमास कम्युनिटी हैज अ ह्यूज इंपैक्ट, ये हो सकता है, और देखते हैं अ कॉमन स्पीशीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास दैट हैज फेयरली लो इंपैक्ट, ये गलत है, रेयर स्पीशीज गलत है, अ लार्ज डोमिनेंट स्पीशीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रमोशन ऑफ बायोमास विच अफेक्ट, आंसर ये बनना चाहिए वन, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, द जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नोड टू नोड इन अ फाइबर इज, ज्यादा बायोमास वाला नहीं होगा, बायोमास नहीं, जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है कम नंबर के साथ, अरविंद दुनिया ऐसा नहीं है बेटा, द जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नोड टू नोड इन अ फाइबर इज कॉल्ड, बोलो, साल्टेटरी कंडीशन नहीं कहते बेटा, ये फाइबर है, ये फाइबर है, यहां पे तुम्हारा माइलिन शीथ है, अब यहां से यहां पे आ रहा है कंडक्शन, फिर यहां से यहां पे आ रहा है इलेक्ट्रिक इंपल्स, इस तरीके से जंप करता हुआ आ रहा है, इसी को तो साल्टेटरी कंडीशन कहते हैं, है ना, नेक्स्ट प्लीज, With respect to fungal sexual cycle, choose the correct sequence. Sequence बताओ तो सही क्या है? बोलिए please. सही sequence क्या है? भाई NCERT से है, क्या बात कर रहे हो? सारे questions अभी तक NCERT से है, keystone species वाला NCERT से नहीं था, बाकी सारे NCERT से हैं बेटा. पहले दो फंगल सेल का साइटोप्लाज्म मिलता है, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी. फिर उनके न्यूक्लियस मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं? कैरियोगैमी. फिर उसमें मियोसिस हो जाता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. 13th का सी. नेक्स्ट, इन एक्वाटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स चेंज with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are called. क्या बोलेंगे बोलो इनको, जल्दी बोलो. अरे अरविंद नूनिया ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा नाम दिखता नहीं है मुझे. 14th बोलिए. एक aquatic animal है, ठीक है, वो जैसे पानी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसकी बॉडी का भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन साथ में ही चेंज हो रहा है, तो वो एनिमल क्या हुआ बेटा? वो रेगुलेटर नहीं हो सकता ना आपकी बॉडी, वो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर रहा ना, जो एनवायरनमेंट में मिला वो ही ले लिया, है ना, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, अपनी बॉडी में कुछ भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, वो क्या है? वो कॉन्फर्मर है ना बेटा, वो कॉन्फर्म कर रहा है ना एनवायरनमेंट के साथ, है ना. नेक्स्ट प्लीज, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो हमारा हीट हो रहा है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट जो हीट हो रहा है, वो किसकी वजह से हीट हो रहा है? कौन सी रेज की वजह से हीट हो रहा है बताओ तो जरा. 15th प्लीज, 15th प्लीज. हाँ जी, रघुराम सही, रानू गलत, सुकन्या गलत, अरे 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 सबका ही गलत है, वंदना का सही है, सिर्फ वंदना का अभी रघुराम का सही है और किसी का भी सही नहीं है, अरे रे रे रे. अनुराधा का सही है, एहतशाम का सही है, रानू ने अभी सही आंसर दिया है, मानसी का सही है. भाई इंफ्रारेड रेज यार, ये तो तुम पढ़ते हो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, इंफ्रारेड रेज आती है, विजिबल लाइट आती है, ठीक है, फिर धरती पर टकरा के वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट शो करती है ना. नहीं मुकेश कुमार, नहीं हुआ अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नहीं हुआ. नेक्स्ट प्लीज, सारा एनसीईआरटी से पेपर दिया है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं दिया. अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे ना बेटा इसमें, तो तुम्हें और तैयारी की जरूरत है, अभी सीधी सी बात है ये. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. हाँ जी, 16th का आंसर. ना ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज़्यादातर बच्चों का सही है, ज़्यादातर बच्चों का सही है. एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइकेरियन. क्या कह रहा है यार ये? कुछ फंगस में ना, जैसे दो सेल एस्कोमाइसिटीज और बाइसिडियोमाइसिटीज में होता है ऐसा, दो सेल ऐसे मिल जाते हैं, इनमें प्लाज्मोगैमी हो जाती है. प्लाज्मोगैमी समझते हो तुम? जो इनका साइटोप्लाज्म है वो मिल जाता है ऐसे.
लेकिन कैरियोगैमी नहीं होती, बहुत बहुत लंबे समय तक कैरियोगैमी नहीं होती, ठीक है? तो कहीं कहीं जैसे मान लो बहुत लंबा पीरियड निकल गया, तो तुम इसको क्या कहोगे यार, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन। डिप्लॉयड इसलिए नहीं कहेंगे बेटा, डिप्लॉयड होता है जब ये मिल जाए, एक न्यूक्लियस बन जाए, ये एक न्यूक्लियस टू एन ओ, तब इसको डिप्लॉयड कहते हैं। अभी तो ये एक न्यूक्लियस नहीं है ना, दो न्यूक्लियस है, ये भी एन है और ये भी एन है, तो इसको डिप्लॉयड नहीं कह सकते ना, डाइकेरियन कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ किससे रिप्रेजेंट होती है? इकोलॉजी का क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किससे होती है रिप्रेजेंट? रघुराम सही, सुमन सिन्हा सही, अक्षत सही, अरविंद नूनिया गलत हो गया। अच्छा, अरविंद नूनिया ने शायद पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, इसका नहीं है। श्वेता सही, मंजू सही, सुमन सिन्हा सही, नागेंद्र, प्राची, सुकन्या सही, नीरज का गलत हो गया। अरे, dN बाई dt इज इक्वल टू RN, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए क्या है? जो बच्चों को लग रहा है पता नहीं कहाँ से पूछे जा रहे हैं बेटा, इकोलॉजी के क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को लग रहा है बहुत मुश्किल है, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा नीट के पेपर से पहले, ये बहुत ही आसान है। इकोलॉजी बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। नहीं खुद पढ़ पा रहे हो तो आप प्लस ज्वाइन कर लो, प्लस पे मैं पढ़ा रही हूँ, इकोलॉजी की वजह से ऐसे थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या होता है? dN बाई dt इज इक्वल टू RN के माइनस एन अपॉन के। हाँ जी, हाँ जी, नागेंद्र बिल्कुल सही। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, सिर्फ डायग्राम देख के डरना नहीं है इसका, सॉरी, ये क्वेश्चन का लेंथ देख के डरना नहीं है। चलो ओके, आकिब खान, आई होप तुमने सुबह मेरी क्लास अटेंड की है, अगर तुमने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है आज तो 9:30 बजे वाली क्लास, अगर नहीं भी अटेंड करी है तो रिकॉर्डेड सेशन देखो, कल अटेंड करना सुबह 9:30 बजे। हाँ जी, जितने बच्चे डी आंसर दे रहे हैं सही है उनका। ये क्या कह रहा है यार, ग्रेप्स को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, ये कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, ये ग्रेप्स है, ठीक है? अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 12 घंटे बाद ये ग्रेप्स पिचक गए, किशमिशें बन गई इनकी, सूखी सूखी ऐसे पिचक गए। ऐसे क्यों पिच के? क्योंकि यार इनका पानी बाहर चला गया होगा, है ना, ऑस्मोसिस से, प्लाज्मोलिसिस हो गया इनके अंदर, तभी तो पिचक गए। सो ग्रेप्स बिकम स्वीटर, शुगर इंड्यूसेस डिसइंटीग्रेशन, वाटर इवेपोरेशन, ये सब बकवास है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ग्रेप्स बाय ऑस्मोसिस, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्लीज। अकॉर्डिंग टू CPCB, विच पार्टिकुलेट साइज ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ? ये लर्निंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 19th प्लीज। अरे वाह, क्या बात है, प्रतिभा सही, बिल्कुल पहली बार में छक्का मार दिया प्रतिभा इंदुरिया ने। रघुराम ने बिल्कुल सही दिया है, भानु ने सही दिया है, प्रिया राइट, अरविंद नूनिया रॉन्ग। अरे अरविंद नूनिया 17th का आंसर क्यों दे रहा है, 19th पे पहुंच गए। हाँ जी, भानु राइट, रानू राइट, संदीप तो राइट, अम्मान मलिक राइट, सानी राइट, एहतशाम राइट। वाह बेटा, लीगोलास ग्रीन लीफ, नीलबा राइट। 2.5 माइक्रोमीटर लेस, एनसीईआरटी में इकोलॉजी में यार लाइन है ये। CPCB ये कह रहा है कि तुम बड़े बड़े पार्टिकल चाहे निकाल लो एयर से, लेकिन जो सबसे छोटा पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ओके नेक्स्ट प्लीज। वट इज रॉन्ग अबाउट न्यूरोस्फेरा क्रैसा? न्यूरोस्पोरा क्रैसा के बारे में क्या गलत है? एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है ना ये, एनसीआरटी में दिया हुआ है भाई, एनसीआरटी में दिया हुआ है, एनसीआरटी से बाहर नहीं पूछ रही हूँ। आज थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनाया है पहले से, ठीक है, इसलिए तुम लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहो ना। बोलिए प्लीज। सुमन सिन्हा नहीं कर रही यार, तुम्हें स्किप, तुम्हें स्किप करके कहाँ जाऊंगी मैं। 20th, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रघुराम राइट, बॉन एपिटेट राइट, निलभा राइट, नागेंद्र राइट, विवेक राइट, एहतशाम राइट, अपर्णा राइट, प्रेरणा राइट, परवीन राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या गलत है यार, न्यूरोस्पोरा क्रैसा ना जेनेटिक, उसमें बहुत सारा जेनेटिक वर्क किया गया है उसके ऊपर, जेनेटिक्स में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे
एनिमल्स में ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारा जेनेटिक वर्क किया गया है ना, वैसे ही फंगस में न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत ज़्यादा जेनेटिक वर्क किया गया है, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। हालांकि फंगस प्लांट किंगडम में नहीं आता, लेकिन बोलते हैं तो क्या करें, ये भी सही है, जेनेटिक फंगस भी सही है। बेकरी फंगस यार, बेकर्स यीस्ट कौन सा, बेकर्स फंगस कौन सा होता है, यीस्ट होता है ना, कौन सा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, तो ये नहीं आंसर है ना, वैसे रॉन्ग बताना था तो आंसर यही है हमारा। नेक्स्ट प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ स्ट्रैटेजी टू ओवरकम वाटर स्ट्रेस बाय प्लांट्स, पानी कम है प्लांट के पास तो क्या नहीं करेगा वो, बोलो। पानी कम है, थैंक यू अभिमन्यु मलिक, 21 का, हाँ जी प्रतिभा राइट, अरविंद नूनिया राइट, प्रेरणा गलत हो गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हरीश बहुत है, बिल्कुल बहुत है, कृतिका गलत हो गया, अपर्णा राइट, नीलभा राइट, मंजूश्री रॉन्ग, संदीप तो राइट, रघुराम राइट, अर्चना राइट, लेगोलास आई थिंक राइट। यार किसी के पास पानी पहले ही कम है तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, स्टोमेटा बंद कर देगा, स्टोमेटा से बंद करने से अच्छा विल्टिंग कर लेगा, ऐसे मुड़ जाएंगी लीव्स, है ना, रिडक्शन इन सरफेस एरिया कर लेगा ताकि पानी कम लूज हो, ठीक है, इनिबिशन ग्रोथ बंद कर देगा क्योंकि पानी यूज होगा ग्रोथ में, है ना, लेकिन फोटोसिंथेसिस थोड़े पे बढ़ाएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए तो पानी यूज होएगा ना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज थोड़े पे कर देगा, पानी की पहली कमी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्लीज, कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्कुटा किस चीज का एग्जाम्पल है, बोलो तो जल्दी से। हाँ अल्फाज निगम का सही हो गया, 22 का उत्तर चाहिए, कौन से क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो ये तो बता दो। एहतशाम सही, प्रमोद सही, नीतू सिंह सही, अद्वैत पंटेज, एके सुमन सिन्हा, एसएस अनुराधा, इमोर्टल नरेंद्र, बिल्कुल सही है, सबका ही सही है ऑलमोस्ट। कस्क्यूटा यार एक्टोपैरासाइट है ना, देखो एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, अबे मेरे पेट में एस्कैरिस हो जाए तो वो एंडोपैरासाइट है क्योंकि बॉडी के अंदर है ना एस्कैरिस, अब मेरे सर में जूं हो जाए तो वो एक्टोपैरासाइट है, क्यों, क्योंकि वो बॉडी के बाहर चिपकी हुई है। सो कस्क्यूटा क्या होता है, ये मेन प्लांट होता है, इसके ऊपर कस्क्यूटा की बेल चिपक जाती है, कस्क्यूटा होता है, तो कस्क्यूटा यहाँ से अपने ना पंजे घुसा लेता है इसके फ्लोएम के अंदर न्यूट्रिशन लेने के लिए, इस पंजे को हॉस्ट्रा बोलते हैं, लेकिन चिपका तो बाहर ही है ना, इसकी बॉडी के अंदर तो नहीं घुसता ना कस्क्यूटा, तो एक्टोपैरासाइट है ये। ओके नेक्स्ट प्लीज, जरा तो दिमाग लगा दो, तो इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ तो जरा सा, कौन तुम्हारा कमेंट डिलीट कर देता है। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है सूर्यकांत, कोयल क्रो के नेस्ट में अंडे दे आती है ना, और बेचारा क्रो उन अंडों को पालता है सोच के कि मेरे अंडे हैं, वो है ब्रूड पैरासिटिज्म, बोलो तो। अरे वाह, ज़्यादातर बच्चों का सही है, मुकेश, रुपिंदर, हार्टलेस हार्टलेस, अभिमन्यु, ज़्यादातर सही है, क्या कह रहा है, देखो यार एक बंदा आईबॉल, एक बंदा कन्वेक्स लेंस लगाता है ना, कन्वेक्स ग्लासेस लगाता है तो ऐसे लगाता होगा, फिर प्रॉपर विजन, प्रॉपर विजन कब होती है, जब रेटिना के ऊपर क्रॉस करती है, तो देखो जैसे ऐसे लाइन आती है, ऐसे रेज आती हैं, तो यहाँ से ये मुड़ जाती है अंदर की साइड, है ना, कन्वेक्स हमेशा अंदर को मोड़ता है ना, ऐसे मोड़ता है ना रेज को, तो यहाँ पे अंदर को मोड़ दो, तब ये रेटिना पे कट करती है, देखो जब रेटिना पे कट करती है रेज, तब प्रॉपर विजन आती है। अब वो ये कह रहा है, मान लो ये बंदा चश्मा नहीं लगाता तो ये कहाँ कट करेंगी, देखो यार अब ये बंदा चश्मा नहीं लगा रहा, ठीक है, ये चश्मा नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका खुद का लेंस भी है, यहाँ पे रेज आ रही है, तो ये अंदर इतनी ज़्यादा नहीं मुड़ पा रही, ये इसकी वजह से जैसे अंदर मुड़ रही थी वो नहीं मुड़ पा रही, तो ये सीधी 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 सी चली गई, तो ये पीछे नहीं काटेंगी, बिहाइंड द रेटिना, सो आंसर क्या बनेगा, समझ रहे हो, तुमने कन्वेक्स लगा के अंदर तो मोड़ दी थी, अब कन्वेक्स नहीं है तो नहीं मोड़ पाओगे, तो पीछे निकल जाएगी रेटिना के पीछे, है ना, सो आंसर ये आ जाएगा। 24th, बोलो प्लीज, अ पर्सन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी इन एन एक्सीडेंट, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज गॉट इंजर्ड, बताओ, बोलो जी। नीरज कांबले बड़े दिनों बाद आया है सेशन में, क्या हाल चाल है। 24, हाँ जी प्रतिभा का सही है, रघुराम सही, विवेक सही, पुलकित रॉन्ग, संदीप तो रॉन्ग,
अरे रे अवंतिका सही, विवेक सही, अभिमन्यु रॉन्ग, हार्टलेस सही। क्या बात है, हार्टलेस डेविल, बड़े सही आंसर आ रहे हैं। श्रीदेवी सही, नहीं श्रीदेवी गलत, साक 1-1 राइट। भाई लोग, मेमोरी बनना सारा फोर ब्रेन का काम है, ठीक है? तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब बकवास है ना, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का पार्ट ही नहीं है, सेरिब्रम ही बचा है ना आंसर। मेमोरी पूरा फोर ब्रेन से आता है ना। नेक्स्ट प्लीज। स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लांट लीफ ओपन व्हेन वाटर फ्लोज, इजी क्वेश्चन। जल्दी बोलो। 25। स्टोमेटा ओपन कब होगा रे बेटा, जल्दी बोलो। प्राची कौन से का बता रही हूँ आंसर, 25 का बताओ मुझे। ए, क्या बात कर दी तुम लोगों ने, 25 का ही आंसर दे रहे हो क्या? एहतशाम का सही है, प्रतिभा का सही है, नरेंद्र गलत, रागिनी गलत, शिल्पा गलत, ये क्या बात है, राहुल गलत, पद्मनी गलत, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग इतने बच्चे गलत। जल्दी बोलो। हर्षित सही, भारत गलत, निलभा सही। अरे रे 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 रे, पिछले क्वेश्चन के आंसर तो नहीं दे रहे हो कहीं? हाँ स्टोमेटा कब खुलेगा, स्टोमेटा कब खुलेगा? ये गार्ड सेल जब पिचके होते हैं तो स्टोमेटा बंद होता है, जब इनके अंदर पानी घुस जाता है तो ये ऐसे फूल जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं ऐसे, तो स्टोमेटा खुल जाता है। सो वाटर शुड गो इन टू द गार्ड सेल्स, तभी तो स्टोमेटा खुलेगा। आंसर हमारा 2 हो गया है बच्चों। कैसे कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग। अ सक्सेसफुल पैरासाइट इज द वन, कौन सा सही पैरासाइट है, मस्त पैरासाइट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड पैरासाइट, बोलो। अरविंद नूनिया, अच्छा कमेंट लेट पहुंच रहे हैं, अच्छा, तभी बच्चों के कोई और ही क्वेश्चन के कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं। 26 क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दिया करो, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम 26 का ही आंसर दे रहे हो। अरे रे ए रे 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 रे, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया। ओ हो, सारे गलत आंसर। कोई तो सही आंसर दे दो, कोई तो सही आंसर दे दो भाई। सिर्फ टॉप क्लासेस ने सही आंसर दिया अभी तक, तरनजीत ने सही आंसर दिया है, एहतशाम ने सही आंसर दिया है, बस और किसी ने नहीं। सक्सेसफुल होस्ट कौन सा है, ग्रोज रैपिडली, स्टिक्स टू होस्ट फॉर लॉन्ग, रिप्रोड्यूसेस फास्ट, मेक्स मिनिमम डिमांड फ्रॉम इट्स होस्ट। होस्ट को सबसे कम तंग करने वाला सबसे सक्सेसफुल पैरासाइट होगा, क्यों? क्योंकि ये उतने ही लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा, क्योंकि होस्ट जिंदा रह पाएगा तभी तो पैरासाइट जिंदा रह पाएगा। सो होस्ट को सबसे कम तंग करने वाला पैरासाइट सबसे बढ़िया पैरासाइट होता है। ऐसे पैरासाइट सक्सेसफुल कहाँ से होंगे जो पहले होस्ट को मार देंगे फिर खुद भी मर जाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ। नेक्स्ट प्लीज। अ सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ, ईयर और नोज टिप में क्या मिलता है भाई लोग, जल्दी बोलो। 27 हाँ जी, विवेक राठी सही, एमडी सद्दाम हुसैन सही, रघुराम सही, भानु गुस्सा है, प्रिया जोशी सही, मंजुश्री सही, एके सही, सहलाम गलत, प्रमोद सही, रानू सही, प्रतिभा सही, बहुत सारे बच्चे और भी सही। हाँ जी कार्टिलेज, दोनों एग्जाम्पल किसका है बोलो तो, ईयर ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज, नोज टिप येलो इलास्टिक कार्टिलेज, यूस्टाचियन ट्यूब येलो इलास्टिक कार्टिलेज, फ्लैप एपिग्लॉटिस येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये शायद तुम लोगों का इतना गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एनिमल टिश्यू यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है ना, इसलिए तुम लोगों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कराऊंगी बेटा कभी समय मिला तो, कार्टिलेज आंसर है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ, ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है बोलो। मयूरी कक्कड़ कड़े क्या हो गया? हाँ जी चैतली, बिल्कुल सही बोलो। 28 का आंसर आ गया है प्रतिभा सही, रानू सही, सरोज सही, सनकी सही, सनकी बॉय ओ बेटा, मंजुश्री सही, सुमन सिन्हा रॉन्ग। वैसे देखो, वैसे ये नॉइज़ पोल्यूशन आंसर है, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे कि एक कोई इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कर रही है, तो इसके अराउंड ट्रीज लगा दो, ट्रीज साउंड को रोकते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। हालांकि नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के अंडर आता है, इसलिए कुछ बच्चों ने वन लगा दिया है,
बिकॉज नॉइज़ पोल्यूशन कम्स अंडर एयर पोल्यूशन, लेकिन बेटर आंसर तो नॉइज़ पोल्यूशन है ना बेटा, बेटर आंसर तो नॉइज़ पोल्यूशन है. नेक्स्ट प्लीज. फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर विद अ सिमिलर ओरिजिन इज कॉल्ड. ओरिजिन भी सिमिलर, स्ट्रक्चर भी सिमिलर, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अरे रे मनीषा गलत हो गया, तनुश्री का सही है. 29th वाले आओ पहले. सन की बॉय का गलत हो गया, अद्वैत पंटेज का भी गलत हो गया, अरविंद नूनिया का भी गलत हो गया. अरे मयूरी सिर्फ मैं तुम्हारा कौन सा स्किप करूँ, मैं क्यों स्किप करूँगी बताओ तो. रोहन पांडे सही है, अपर्णा दत्त सही है, साख सही है, ऋतिक सही है, प्रमोद का गलत है, इमोर्टल 50 का गलत है, एके सही है, प्राची सही है बिल्कुल बेटा, प्रंजल गलत हो गया, टॉप क्लासेस गलत हो गया. अरे रे 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 बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं ना, बेचारे बच्चों को लग रहा है कि यार सिमिलर स्ट्रक्चर भी है और सिमिलर ओरिजिन भी है, अब क्या करें. सिमिलर स्ट्रक्चर जनरली एनालॉगी पढ़ते हैं और सिमिलर ओरिजिन जनरली होमोलॉगी पढ़ते हैं. बेटा जी जब दोनों चीज़ें सिमिलर हों तो आपने ओरिजिन देखना है, ठीक है. अब यार एक ह्यूमन का हाथ तुम्हारा बाजू और तुम्हारे भाई का बाजू, एनालॉगस स्ट्रक्चर थोड़े वे हैं. सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर ओरिजिन होमोलोगस है भाई, वो होमोलोगस में कॉमन एंसेस्ट्री तो होगी होगी ना. स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है, स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है. अब हमारे हाथ में और हॉर्स के हाथ में भी होमोलोगी है, लेकिन यू नो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है. कॉमन ओरिजिन सेम है, वैसे स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा यार. देखो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना, फंक्शन अलग रहता है, ठीक है. सो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहती हूँ, मैं अपना ये वाला स्टेटमेंट वापस लेना चाहती हूँ, ठीक है. कुछ स्ट्रक्चर भी तो होमोलोगी में बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहता ही है ना, है ना, क्या बोलते हो. नेक्स्ट प्लीज. 30, ये 30 का आंसर पहले दे दिया. लो जी वंदना, मैंने क्वेश्चन भी नहीं दिया है अभी. वंदना का सही हो गया बिना क्वेश्चन के भी आंसर. लक्ष्मी गुप्ता, ये सब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन्हें स्किप करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है लड़कियों ने की वजह से मैं तुमसे जेलसी करती हूँ? किसी लड़की का आंसर नहीं दूंगी मैं, किसी का नाम नहीं लूंगी, है. अरे रे ऐसा नहीं है बच्चों. 30th अपर्णा गलत, सरोज रॉन्ग. अरे क्या बात कर रहे हो यार, पॉलिप स्टेज किसमें एबसेंट है, सारे गलत आंसर दे रहे हो. मॉमी विश्वास का सही है, एहतशाम का सही है, अंशु का सही है, सिर्फ किसी का सही नहीं है, सुमन सिन्हा का सही है, बाकी सब गलत है यार. ऑरेलिया, जेलीफिश में कोई पॉलिप स्टेज नहीं होती, सिर्फ मेड्यूसा स्टेज होती है. हाइड्रा तो खुद पॉलिप स्टेज ही है, सिर्फ पॉलिप है. फाइसेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है, पॉलिप मेड्यूसा दोनों. ओवेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है, पॉलिप मेड्यूसा दोनों. आंसर वन बन गया है. नेक्स्ट प्लीज. What are the absorptive organs of bryophytes? Bryophyta में absorptive organs क्या रहता है बताना, किससे nutrition किससे बोलो तो. 31, ये 21 कहाँ से आ गया, 31 की बात 31 पे पहुँच गया बच्चों. 31 लिख के आंसर दो मुझे. 31, हाँ जी सही, रघुराम सही, एहतशाम सही, अद्वैत पंतेज सही, प्रमोद सही, अल्फाज निगम गलत. अरे अल्फाज निगम क्या किया, अच्छा 30 का आंसर दे रहा है अल्फाज निगम, 31 पे आ जा. अद्वैत पंटेज प्रांजलि सही. अरे बच्चों राइजोइड्स होते हैं ना, राइजोइड्स रूट्स नहीं कह सकते हैं, ट्रू रूट्स तब आएंगे जब वैस्कुलर टिश्यू आ जाएगा, ट्रू रूट्स टेरिडोफाइटा से आगे आएंगे, ठीक है. सो एल्गी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं होल्ड फास्ट होते हैं, ठीक है. जो ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर होते हैं राइजोइड्स होते हैं, टेरिडोफाइटा में होते हैं वहाँ पे रूट्स बोलना शुरू करते हो तुम, है ना. हॉस्ट्रा तुम्हें मैंने अभी बता दिया है हॉस्ट्रा क्या होता है. हॉस्ट्रा जो ऐसे अंदर कस्क्यूटा ने घुसा दिए थे ना अपने हाथ न्यूट्रिशन सक करने के लिए. 32 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू सेल और टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड. क्या पूछ रहा है ये, एक कैलस बना लो, कैलस से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर दो तो क्या बोलेंगे इसको बोलो तो. अच्छा अच्छा ओके वर्षा नूनिया ओके बोलो. 32 का आंसर क्या बनेगा, प्रतिभा गलत हो गया बेटू. 32 का आंसर क्या बनेगा, हाँ जी रणदीप सिंह का सही है, मुकेश का सही है, त्रिपति का सही है, एहतशाम का सही, प्रमोद सही, एंजेला गलत हो गया, रघुराम का सही, प्रेरणा शिवानी, तेलुगु यशवंत राइट, अनिकेत राइट, एके विक्रांत, नरेंद्र कुमार,
नीलभा बहादुरी, गलत हो गया नीलभा बहादुरी तुम्हारा, बाकी सबका सही था जिनका उससे पहले नाम दिया था। माइक्रो प्रोपोगेशन बच्चों, टिश्यू कल्चर क्या है यार, एक सेल लो, कोई भी सेल लो, नहीं पहले एक पार्ट ले लो, मान लो एक लीफ ले लो, इसको एक्सप्लांट बोलते हैं, इसमें से सेल ले लो, सेल को कैलस में चेंज कर दो, इसकी डिडिफ्रेंशिएशन करके कैलस में चेंज कर दो, कैलस बनाना टिश्यू कल्चर है, ठीक है। अब इससे छोटे छोटे प्लांट्स बना दो, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है जी, पता होना चाहिए आप लोगों को ये। नेक्स्ट प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, किसका गलत है मैच, ओके अल्लाह का इस्लाम, बाय बेटा, जा रहे हो तुम, तुसी जा रहे हो, हाँ जी। 33, रघुराम सही, प्रतिभा सही, प्रमोद जैन सही, और कौन बच्चा है 33 वाला, अद्वैत पंटेज सही, साख 1111 सही, त्रिपाठी जी सही, नहीं विवेक राठी जी सही, हार्टलेस डेविल सही, नीलभा सही, विजित कलिता सही, अरे रे रे रे, ये गलत है। पहली बात तो मिसमैच ढूंढना है, इसको मार्क कर लो यार। पर्ल किससे मिलता है, उससे मिलता है ना, ऑयस्टर से, पिंक टाडा से मिलता है ना, तो ये गलत हो गया। एपी सिंडिका से हनी, लैसीफर से लैक, बॉम्बिक्स मॉरी से सिल्की सही है, क्या बोलते हो। नेक्स्ट प्लीज, जुरासिक पीरियड्स बिलोंग टू एन एरा, कौन से एरा को बिलोंग करता है जुरासिक पीरियड, इजी क्वेश्चन, प्राची ने भी बताया था, अरे अरे प्राची नीचे रह जाता होगा, नाम तो मुझे मिलता नहीं है। प्रार्थना झा, प्लांट किंगडम, यार कराना तो चाहती हूँ मैं, यूट्यूब पे तो सब कुछ ही कराना चाहती हूँ, पर जितना हो पाएगा उतना ही कर पाऊँगा। अच्छा उज्मा, ओके उज्मा, एक बात बताओ, तुमने प्लस लिया था, तुम प्लस पे आती क्यों नहीं हो, तो मेरी क्लास में आई नहीं उसके बाद, एक दिन के बाद। हाँ जी, उत्तर क्या बनेगा इसका, मीज़ोज़ोइक, मीज़ोज़ोइक एरा में है जुरासिक पीरियड, हाँ जी, जिनको नहीं पता है जान ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड एज इट हैपन्स इन द कॉमन कॉकरोच, कॉमन कॉकरोच के लिए सही ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है, बोलो। 35 का आंसर चाहिए, 35 का आंसर चाहिए, बोलो बोलो। हाँ भाई लोग, 35 का आंसर चाहिए, 35 इमोर्टल गलत हो गया, अरे रे रे रे, फंस गया इमोर्टल बच्चा। हाँ एडवेट पंटेज का गलत हो गया, अरविंद नूनिया का गलत हो गया, रघुराम का सही है, प्रमोद का गलत हो गया, सनकी बॉय का गलत है, रिया मनवंश का गलत है, ज्योति यादव का गलत है, क्या बात है, एहतशाम का सही है, अंशु का गलत, अरविंद, प्रमोद का गलत, ऋषभ का गलत, अल्फाज का सही, पलक का सही, पलक खेतान क्या हाल चाल है, ये मेरी प्लस की बच्ची है, विजिता का गलत, इमोर्टल का गलत, अरे बेटा बेटा सुनो, मैल्फीजन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम कोलोन, इसको, अच्छा इसमें डाउट हो रहा है, इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है आगे देख लेते हैं। और ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, कॉकरोच के पास कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, कॉकरोच का जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू सेल्स को मिल जाता है, ठीक है, देर इज नो रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन कॉकरोच, गलत हो गया। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिक एसिड होता है इसका, यूरिया नहीं होता, गलत हो गया। फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजर्ड, ये एक्चुअली सही आंसर है, फूड को चबाया जाता है मैंडिबल से और गिजर्ड से। अब ये गलत क्यों है, देखो अगर एनसीईआरटी का तुम डायग्राम याद करो, यहाँ पे ऐसे करके मिड जो क्या बोलते हैं मिड गट है, और यहाँ पे हाइंड गट है, हाइंड गट में यहाँ पे ईलियम होता है, यहाँ पे कोलोन होता है, यहाँ पे रेक्टम होता है ना, तो मिड गट और ईलियम के बीच में यहाँ पे मैल्फीजन ट्यूब्यूल लगी होती है, कोलोन ये रहा, कोलोन में थोड़े पे लगी होती है, मिड गट और ईलियम के बीच में के जंक्शन पे लगा होता है, तो अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, गलत हो गया है जिन बच्चों का। नेक्स्ट प्लीज, अडेप्टिव रेडिएशन, बोलो अडेप्टिव रेडिएशन क्या चीज़, बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रही है, बोलो। मिस साक्षी क्या बात कर दी तुमने, दिनेश बस उत्कर, कोशिश तो करती हूँ बेटा, सुनो अडेप्टिव रेडिएशन, अच्छा मैंने छुपा लिया, ऑप्शंस छुपा लिया, ओ हो गलत हो गया है ना,
ओहो 36th, चलो देखते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये आंसर होना चाहिए भैया। कॉमन एंसेस्टर, यहाँ से ऐसे करके ऐसे रेडिएशन चली जाती है, अलग अलग स्पीशीज बन जाती है, यहाँ पे अलग स्पीशी, यहाँ पे अलग स्पीशी, यहाँ पे अलग स्पीशी, ये आंसर होना चाहिए। अडेप्टेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये तो कोई बढ़िया आंसर नहीं है यार, इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या है, एक ही आइलैंड पे हो रहा है। माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पीशीज टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, यार एक स्पीशीज के मेंबर माइग्रेट करते हैं तो वो सिर्फ अडेप्टिव रेडिएशन ही है ना, वहां पे जाके नई स्पीशीज भी तो बनानी पड़ेगी ना। पावर ऑफ अडेप्टेशन इन वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट्स, बकवास है ये, ठीक है। नई स्पीशीज का बनना एक कॉमन एंसेस्टर से, ये हमारा आंसर सबसे बढ़िया बनेगा अडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, लाइफ साइकिल ऑफ क्लमाइडोमोना स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स इज, मतलब तीनों का एक ही प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, किसका बताओ तो। हाँ जी शिवानी पास पोहे, क्या हाल चाल है। ओके ओके उज्मा, फाइन 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 उज्मा, रोज मेरी 9:30 बजे क्लास होती है प्लस पे बेटा, आया करो, इकोलॉजी चल रही है। ओके, व्हाट इज़ माई डेली लाइफ टाइम, मेरा डेली 4 बजे क्लास रहता है, 6 बजे क्लास रहता है, ठीक है। 4 बजे वाली क्लास में बायोटेक करानी है मुझे, कल वेक्टर्स पढ़ाऊंगी मैं, और 6 बजे वाली क्लास में रेस्पिरेशन, तो मैं ग्लाइकोलिसिस शुरू करेंगे। हाँ जी चलो भाई लोग, हेप्लॉन्टिक आंसर है इसका, हेप्लॉन्टिक आंसर है, तीनों एल्गी हैं, तीनों एल्गी हैं, एल्गी का हेप्लॉन्टिक रहता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन एल्गी का बहुत अजीब अजीब सा रहता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक रहता है, मेनली एल्गी का हैप्लॉन्टिक रहता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहता है, ठीक है, फिर आगे डिप्लॉन्टिक रहता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का, ठीक है। अभी तुम लोगों को ये नहीं समझ में आएगा अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो, बट कोई नहीं, कभी प्लांट किंगडम पढ़ा हमने तो ज़रूर समझ में आएगा। फ्लैजेला आर टोटली एब्सेंट इन, खत्म, फ्लैजेला है ही नहीं, बताओ बोलो बोलो। थर्टी एट, हाँ जी बिल्कुल सही, विक्रमांक सही, एहतशाम सही, एस के नीतू सिंह सही, 38 की बात हो रही है ना, 38, हाँ जी अरविंद नूनिया गलत हो गया, प्राची गलत हो गया, 38 अभिषेक सही हो गया। हाँ जी हाँ जी, देखो यार अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है एल्गी को लेके, ठीक है। फ्लैजेला ग्रीन एल्गी के पास भी होता है, फ्लैजेला ब्राउन एल्गी के पास भी होता है, तो वो तो निकाल दो, ग्रीन और ब्राउन एल्गी वाला ऑप्शन, ग्रीन एल्गी वाला ये ऑप्शन, सी वीड्स सारे ब्राउन एल्गी होते हैं निकाल दो, केल्प्स ब्राउन एल्गी होते हैं निकाल दो, आंसर क्या बचा, रोडोफाइसी रेड एल्गी के सामने देखो लिखा हुआ है उस टेबल में, नो फ्लैजेला। ब्लू ग्रीन एल्गी तो खैर बीजिए बैक्टीरिया की बात हो रही है, दोनों में नो फ्लैजेला होता है, ठीक है। अरे उज्मा तुम तो फीस दे के प्लस में आ चुकी हो, तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पास फीस नहीं है साक्षी। नेक्स्ट चैप्टर पहले दो तो पढ़ा लूं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर भी डिसाइड कर लेंगे। फिर से कॉकरोच आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ तो मुझे कॉकरोच के बारे में। ऋषभ शर्मा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ तो। ऋषभ शर्मा मुझे तुम्हारा नाम ही दिखा यार, मैं बताओ बिना नाम देखे क्या इमेजिनेशन से बोल दूं। 39th बताऊं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। वन कौन बोल रहा है यार, कंपाउंड आई ऑसिलस थोड़े भी होती है, ऑसिलस सिंपल आई होती है। ये ए वाले बच्चे हट जाओ, ए वाले बच्चे तो हट ही जाओ ना, पहले ही हट जाओ, बात ही नहीं करनी मेरे को उनसे। फिर भी ए आंसर दे जा रहे, मैं कह रही हूं हट जाओ। कंपाउंड आई इज नॉट कॉल्ड ऑसिलस, ऑसिलस इज द सिंपल आई, स्पायरेकल्स डू नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, स्पायरेकल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। अपने साइड से सांस लेते हैं ना कॉकरोच, साइड में उनके छेद होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे छेद है सांस लेने के लिए। फैलोमियर इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, ये सही उत्तर है, नहीं करेक्ट, फैलोमियर इज प्रेजेंट इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वैसे आंसर ये है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो यार जितना भी नॉन कॉर्डेटा है उसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा, आंसर तो यही बनेगा। इसमें क्यों गलत है, फैलोमियर मेल और फीमेल दोनों के पास होते हैं। फैलोमियर क्या होते हैं, जैसे
मान लो मैं ये कॉकरोच का मैं ऊपर टॉप व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है, ये कॉकरोच है, यहाँ पे ना कॉकरोच के यहाँ पे से गड्ढा होता है, ब्रूड पाउच होता है, यहाँ पे कुछ काइटिन के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, इनको फेलोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फेलोमियर एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों के पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये वैसे एज सच इतना गलत ऑप्शन नहीं है, फेलोमियर इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, ये तो सही स्टेटमेंट है भैया, फीमेल में भी है मेल में भी है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर आंसर है। सो अगर मैं इसको लिख दूँ फेलोमियर इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल, तो ये गलत हो जाएगा, फिर मेरा आंसर डायरेक्टली फोर्थ बन जाएगा। सो फोर्थ हमको आंसर बनाना ही है। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स ऑल फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, वीवी पेरस पूछे हुए हैं, बताओ, लास्ट लास्ट क्वेश्चन भाई। कंपाउंड आई अलग है यार, सिंपल आई अलग है, कंपाउंड आई किसी को नहीं बोलते, कंपाउंड आई को कंपाउंड आई बोलते हैं, लीगोलास ग्रीन लीफ। प्रीतम, एक भी तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और तुम कह रहे हो तुम्हारा एक भी गलत नहीं हुआ, आंसर नहीं दोगे तो गलत तो नहीं होएगा ना, कि अच्छा तुम कहीं अपने घर में आंसर लिख रहे हो दे नहीं रहे हो, ऐसा भी हो सकता है भैया, आओ चेक करें। वीवी पेरस ढूंढने अपने आप, जो जो अंडे देने वाले उनको बाहर निकाल देते हैं, ये देखो कीवी बर्ड है अंडे देगा निकाल दो बाहर, ये देखो प्लेटिपस मैमल जो अंडे देगा बाहर निकाल दो, ये देखो ऑस्ट्रिच बर्ड है बाहर निकाल दो। बच्चे कैसे सोचते होंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मैं कैसे कर लूँ। बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा, सारे एनिमल्स को जानना जरूरी नहीं है, ढूंढ लो ना कौन कौन अंडे देता है, आंसर वन बन गया। तुम कहोगे मैम मुझे तो पता ही नहीं लॉरिस क्या होता है, तो पता किसको करना है, मत करो ना पता लॉरिस क्या होता है, ये देख लो ना कि बाकी कौन है जो एग्स ले करते हैं। ना मैं नहीं देखती बिग बॉस, अरविंद दुनिया, ठीक है, हो गए हो गया हो गया। अच्छा अभी मुझको तुमको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, है ना, दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जरा एक बार ना मैं भूल जाऊंगी आंसर देना, मैं आंसर देना भूल जाऊंगी, एक काम करना कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम ये दो क्वेश्चंस के आपने आंसर चेक करके बताने हैं, ठीक है, तो फिर मैं चेक करके बताना, मुझे याद रह जाएगा। बच्चों भूलने की बहुत दिक्कत है मुझे, तुम्हें पता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तुम्हारी आईडी ब्लॉक कर दी, क्यों, तुम कुछ कर रहे होगे तभी ब्लॉक करी आईडी। यूट्यूब लाइव मेरा सेशन 4 बजे और 6 बजे रहता है शाम को हर रोज, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू सो मच, आई होप तुम लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो वैसे तुमने कितना स्कोर किया है, और मुझे ना सच सच बताया करो, सारे के सारे बच्चे ऐसे मत किया करो 39 out of 40, 38 out of 40, मुझे सब पता है 38 out of 40 मेरे आएंगे इसमें, दो तीन तो मैं गलत कर दूंगी इसमें से, बताओ। रघुराम का तो मान सकती हूँ मैं 38 out of 40, क्योंकि रघुराम सारे ऑलमोस्ट सही दे रहा है। एहतशाम का मान सकती हूँ क्योंकि एहतशाम सारे सही आंसर दे रहा है, रघुराम सही आंसर दे रहा है, हाँ, और बोलो, सुमन सिन्हा ने भी काफी सही आंसर्स दिए हैं, 4 गलत हो गए, ओहो हो। नीलभा के आंसर मुझे कुछ कुछ मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले हैं, जय किशोर के आंसर्स नहीं मिले हैं 20, अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरणा के 34, अभिनव ठाकुर बेटा 12 से कैसे चलेगा, इसको इम्प्रूव करो। विकास कुमार 29, आर के वर्मा 35, अर्चना 36, डिडंट काउंट, कोई नहीं शिवानी, काउंट करके कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। मनीष चौबे 28, 8 गलत प्राची के, अरे मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, देखो कुछ कुछ चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं, तुमने रिवाइज नहीं किया हुआ है ना, तो इससे अपने को क्या सबक मिलता है कि अपने को रिवाइज करना है, हर रोज़ बायोलॉजी का कोई एक चैप्टर रिवाइज करो हर रोज़, और सिर्फ रिवाइज करो नहीं उसके क्वेश्चंस भी लगाओ, हर रोज़ 15-20 मिनट रिवीजन करो एनसीईआरटी से कम 30-40 क्वेश्चन उसके सॉल्व करो एवरी डे, ठीक है, तब हमारा बिल्डअप होएगा यार। फाइट क्या है, मैंने तुम लोगों को हमेशा ही बोला है फाइट क्या है, फाइट है 38 चैप्टर्स को एक साथ याद करना, फाइट ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कितना आता है तुम्हें, आउट ऑफ सिलेबस मत करो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ो, पर 38 चैप्टर्स को साइमल्टेनियसली याद कर सकते हो, ये बात है, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें, तुम लोगों को हमेशा ऐसा लगता होगा ना आंसर आता ही था यार, रिवीजन कर लेता तो मैं कर लेता है ना, इससे क्या पता चलता है, रिवीजन करो नहीं तो नीट में भी ऐसा ही लगेगा, फिर तुम्हें मजे आ जाएंगे, नीट में ऐसा लगेगा यार रिवीजन कर लेता तो आज मैं नीट क्रैक कर देता, तो रिवीजन कर लो ना, अभी टाइम है ना हमारे पास, 4 महीने तो बहुत होते हैं, 3.5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं रिवीजन करने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं रिवीजन कराऊं, तुम्हें अकेले रिवीजन में मन नहीं लगता मैम आप करा दो, तो प्लस पे आ जाओ, प्लस पे मैं रिवीजन करा रही हूँ ऑलरेडी, क्रैश कोर्स पढ़ा रही हूँ, साथ में मैं इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे बोलते हैं मैम इकोलॉजी आपके बिना नहीं पढ़ेंगे, तो प्लस पे आ जाओ ज़रा, इकोलॉजी वहाँ पढ़ाऊँगी,
ठीक है, चलो जब भी प्लस पे आओ तो कोड लगा देना रितु लाइव, RITULIVE, ताकि तुमको 10% ऑफ हो, तुम्हारी फीस में तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, प्लस तुम मेरी क्लास से कनेक्टेड हो जाओगे। सो आई विल सी यू। अगर प्लस पे आने का सोच रहे हो तो रोज़ सुबह 9:30 बजे मेरी क्लास होती है इकोलॉजी की, अभी 9:30 बजे क्लास चल रही है, तो सुबह 9:30 बजे मिलो मुझे, ठीक है। चलो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। आज एक ही सेशन है, दूसरा सेशन अभी बनाने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। सो कल 2 सेशन रखेंगे, रेस्पिरेशन और बायोटेक का। ओके चलो, बाय बाय, थैंक यू।